Good morning, dear children. How are you? I hope you are all fit, fine and healthy. I am your Hindi teacher, Mrs. Anjali Marshall. बच्चों, इससे पहले आपने हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ा और क्या सीखा था? इससे पहले आपने हिंदी के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक वाटिका के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन किया था, जिसमें आपने बड़े उ की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि बड़े उ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और बड़े उ की मात्रा वाले शब्द का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आज के पाठ के अंतर्गत क्या है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की एक और पुस्तक चल रही है, जो है व्याकरण रचना प्रसून। उसके अंतर्गत हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 भाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। पाठ 2 वर्ण और मात्राओं के बारे में है, उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम वाटिका के अंतर्गत जो हम पाठों को पढ़ रहे हैं वो मात्राओं का ही पाठ है। इसलिए व्याकरण के पाठ 2 को हमने छोड़ा है। आज हम व्याकरण के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए अब हम चलते हैं पाठ 3 संज्ञा की ओर। ये है आपका पाठ 3 संज्ञा। पाठ 3 संज्ञा, इसे इंग्लिश में इसे नाउन बोलते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे नामों को पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। आपको देखना है कि ये किस चीज का चित्र है। पहले नंबर पे क्या बना हुआ है? पहले नंबर पे एक लड़के का चित्र है और नीचे लिखा हुआ है लड़का। दूसरे नंबर पे मंदिर का चित्र है, नीचे लिखा है मंदिर। फिर है पंखा, ये लिखा है पंखा। चूहा, ये लिखा हुआ है चूहा। फिर यह है बगीचा, क्या है ये? बगीचा। चाय, एक कप है उसमें रखी हुई है चाय। फिर है चिड़िया, शेर, आम और मेज। किस किस चीज के चित्र हैं यहाँ पर? पहले नंबर पे है लड़का, मंदिर, पंखा, चूहा, बगीचा, चाय, चिड़िया, शेर, आम, मेज। अब यह है संज्ञा की परिभाषा। क्या है ये? संज्ञा की परिभाषा, प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक मतलब हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का कोई ना कोई नाम होता है। इन नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। इन नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप संज्ञा की परिभाषा याद करेंगे। फिर यह है आपकी संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या ये? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। फिर यह है, व्यक्तियों को हम उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से पहचानते हैं। जो व्यक्ति जो कार्य करता है, हम उनके कार्यों से ही उन व्यक्तियों को पहचानते हैं। जैसे कि कुम्हार, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का बर्तन बनाता है। दर्जी कपड़े सिलता है। माली पेड़ों की देखभाल करता है, पेड़ों में पानी डालता है। किसान खेती करता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के चित्र हैं जो वो कार्य करते हैं और उनके नाम हैं, जैसे कुम्हार, दर्जी, माली, किसान। फिर ये है वस्तुओं के नाम। ये कुछ वस्तुएं हैं और उनके नाम हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेब, केला, ये सब क्या है? फल। फिर ये है सब्जी, बैंगन, टमाटर, आलू, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? सब्जी। फिर ये है फूल, किताब, कमल, आम, बैंगन, टमाटर।
कौन कौन सी वस्तुओं के नाम है यहाँ पर? फल है, सब्जी है, फूल है, किताब है, कमल है, आम है, बैंगन है, टमाटर है। फिर यह है स्थानों के नाम। स्थान मतलब जगह। पहले नंबर पे है विद्यालय। विद्यालय मतलब स्कूल, पाठशाला, इसे विद्यालय भी बोलते हैं। फिर यह है हिमालय। हिमालय पर्वत। फिर यह है मंदिर, महल, डाकघर, चिकित्सालय, गंगा, कुतुब मीनार। क्या क्या है यहाँ नाम? स्थानों के नाम यहाँ कौन कौन से हैं? विद्यालय है, हिमालय है, मंदिर, महल, डाकघर, चिकित्सालय, गंगा, कुतुब मीनार। चित्रों के नीचे दिए गए सभी नाम व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों के बारे में बताते हैं। यहाँ जितने भी चित्र हैं ये सभी नाम व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताते हैं। अब यह है आपके पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तर। आज हमने इस पाठ के अंतर्गत किसके बारे में सीखा? संज्ञा के बारे में। अब देखते हैं किस प्रश्न का क्या उत्तर है। पहला प्रश्न है आपका, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को, जिनके नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चार वस्तुओं के नाम बताइए। किसी भी चार वस्तु के नाम बताना है। तो हमने लिखा फल, सब्जी, चम्मच और किताब। चार स्थानों के नाम बताइए। मंदिर, महल, डाकघर और हिमालय। फिर से हम इन प्रश्नों के उत्तरों का दोहराव करेंगे। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चार वस्तुओं के नाम बताइए। फल, सब्जी, चम्मच और किताब। चार स्थानों के नाम बताइए। मंदिर, महल, डाकघर और हिमालय। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे और इन्हें आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। इनके लिए नई कॉपी, व्याकरण के लिए नई कॉपी नहीं बनाना है। सिर्फ आप पाठ का नाम और व्याकरण लिखकर इन प्रश्नों के उत्तरों को हिंदी की कॉपी में ही लिखेंगे। फिर यह है आपका प्रश्न नंबर 2। क्या है ये? प्रश्न नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से आपको वाक्य पूरे करना है। संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? किताब, किताब, गाय, राम और घर। इधर का नंबर पे लिखा है, खाली जगह है, फिर लिखा है मेरा दोस्त है। तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा? राम। राम मेरा दोस्त है। फिर खा नंबर है, मेज पर, खाली जगह है, खाली स्थान है, फिर रखी है, तो क्या आएगा? किताब। फिर गा नंबर है, खाली स्थान का दूध मीठा होता है। किसका दूध मीठा होता है यहाँ पर? गाय। गाय का दूध मीठा होता है। यहाँ से गाय आप यहाँ लिख दीजिए। फिर घा नंबर है, यह मेरा खाली स्थान है, तो क्या आएगा यहाँ? घर। यह मेरा घर है। चलिए एक बार फिर देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को। का, राम मेरा दोस्त है, मेज पर किताब रखी है, गाय का दूध मीठा होता है, यह मेरा घर है। बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न का मतलब होता है एक प्रश्न है, एक प्रश्न रहेगा और उसके दो या तीन उत्तर लिखे रहते हैं। आपको देखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है और उस पर सही का निशान लगाना है। पहला नंबर है आपका, निम्नलिखित में से स्थान का नाम है। इनमें से स्थान का नाम कौन सा है? पंखा, मंदिर, फूल। स्थान का नाम कौन सा है? मंदिर। फिर है निम्नलिखित में से वस्तु का नाम है, कुर्सी, मोहन, विद्यालय। वस्तु का नाम क्या है इसमें? कुर्सी। निम्नलिखित में से संज्ञा नहीं है, दर्जी, किताब और हंसना। हंसना संज्ञा नहीं है, इस पर सही का निशान लगा दीजिए। हम देखते हैं आज हमने क्या-क्या पढ़ा और क्या सीखा। आज आपने संज्ञा के बारे में सीखा, संज्ञा की परिभाषा सुनी, उसके अंतर्गत आने वाले शब्दों को जैसे व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम और वस्तुओं के नामों की जानकारी प्राप्त की। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर थे। आपने उन प्रश्नों के उत्तर देखे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। फिर अभ्यास के प्रश्नों को देखा, सीखा और समझा। अब ये है आपका होमवर्क।
आज के पाठ के अंतर्गत ये आपका होमवर्क है, इसे आपको घर पर रहकर कंप्लीट करना है। आपकी पुस्तक रचना प्रस्तून के पाठ 3 में जो संज्ञा की परिभाषा दी गई है उसे आपको याद करना है, फिर अभ्यास के प्रश्नों का दोहराव करना है। जितने भी आपकी पुस्तक में अभ्यास के प्रश्न हैं उनका आपको दोहराव करना है, उंगली रख रख के आपको पढ़ना है। फिर ये प्रश्न नंबर आपका 3, 4 और रचनात्मक गतिविधियां हैं उनको आपको आपकी पुस्तक में ही करना है। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा का कहना सुनिए, रोज का वर्क रोज कंप्लीट कीजिए। जिस प्रकार आप शाला आते थे, रोज आप अपनी पढ़ाई जारी रखते थे, उसी प्रकार घर पर भी रहकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।